हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि आप लड्डू गोपाल के साथ या जिन भी भगवान के साथ आप होली खेलना चाहते हैं उनके साथ आप होली कैसे खेलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक चौकी पर गुलाल रखे हैं, फूल रखे हैं। आप भगवान के साथ फूल की होली तो ज़रूर से खेलें। भगवान को भी सजाया है, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनाए हैं। आपके पास जो भी ड्रेस हो वो ड्रेस आप पहना सकते हैं। फिर मैंने रंग भर के रखा है पानी में और पिचकारी भी बनाई है। पिचकारी बनाने का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। गाय हैं तो गाय को भी विराजित किया है। आप भी जो भी खेल खिलौने हो, पिचकारियाँ हों, गुब्बारे हों, वो भगवान के आसपास सजा सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल बालक हैं तो उन्हें ये सब बहुत पसंद है। और जो भी गुलाल हो, रंग आप ना लगाएं, भगवान को गुलाल ही लगाएं। जो नेचुरल रंग आते हैं, ऑर्गेनिक गुलाल आते हैं, वही आप लगाएं। तो ये देखिए, अब हम भगवान के साथ होली खेलना शुरू करते हैं। आप आराम से चौकी पर या कोई परात में, कोई बड़े बर्तन में भगवान को बैठा लें, जिसमें आप आराम से उनके साथ होली खेल सकते हैं। ये जो गिलास है इसमें मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी भरा है, और मैंने पाट्टे के सामने जहाँ मैंने हमारी टेबल लगाई है होली खेलने के लिए, वहाँ पर मैंने रंगोली भी बना ली है। तो ये देखिए, अलग अलग टाइप के मैंने कलर ले लिए हैं, पिंक कलर का, येलो कलर का। आप अगर गुलाल वुलाल नहीं मिलते हो, आप फॉरेन कंट्री में रहते हो, तो आप हल्दी के साथ, रोली के साथ भी भगवान के साथ होली खेल सकते हैं। तो ये देखिए, पिचकारी और रंग जैसा मैंने आपको बताया, वीडियो आपको मिल जाएगा ये सब घर पे बनाने का। तो हम सबसे पहले भगवान के साथ फूलों से होली खेलेंगे। आप फूलों से होली ज़रूर से खेलें। जो भी फूल हो, जितने भी फूल हो, वो आप भगवान को ज़रूर से चढ़ाएं। अगर आप चाहें तो इस दिन आप जितना भगवान का वज़न है आप नाप सकते हैं उससे, वेटिंग मशीन पर, उतने ही फूल आप भगवान को चढ़ाएं, तो भी वो बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब जितना भगवान का वज़न हो, उतने ही वज़न के आप भगवान को फूल अर्पित करें और उनसे भगवान के साथ होली खेलें। तो ये देखिए, फूल की पत्तियों से होली खेल ली है हमने लड्डू गोपाल के साथ। इसके बाद हम भगवान को रंग अर्पित करेंगे। अब लड्डू गोपाल के तो चरण ड्रेस में छुप जाते हैं। अगर आप कोई भगवान की मूर्ति बैठा रहे हैं, जैसे समझ लीजिए गणपति जी हो, तो सबसे पहले भगवान के चरणों में रंग लगाएं और फिर उनके गालों पर रंग लगाएं। तो ये देखिए, जो जो रंग हो, घर में होली खेलने के पहले आप लोग भगवान को ही रंग लगाएं। सबसे पहले हमें हमारे मंदिर के देवी देवताओं के साथ होली खेलनी चाहिए, उन्हें रंग लगाकर ही आप बाकी किसी भी परिवार वालों को रंग लगाएं। सबसे पहले जिनके साथ भी आप होली खेल रहे हैं, भगवान के साथ खेलने के बाद उन्हें माथे पर रंग से तिलक करें, और उसके बाद ही उनके साथ होली खेलना शुरू करें। और भगवान पर आप पक्के रंग, वो सब जो आते हैं, उन सब का उपयोग बिल्कुल ना करें, और गुलाल भी थोड़ा थोड़ा ही उनके गालों पर लगाएं। तो ये देखिए, जितने भी गुलाल हैं मेरे पास, पीला, लाल, गुलाबी और लाइट पिंक, ये सभी मैं भगवान को अर्पित कर रही हूँ। उनकी ड्रेस पे भी हम चढ़ाएंगे, अच्छे से हम उन्हें होली के रंगों में सजाएंगे, और फूलों में भी हम उनके साथ होली फूलों से भी खेलेंगे और रंगों से भी। अगर आपकी मार्बल की मूर्ति है या ऐसी कोई मूर्ति है, क्रिस्टल की मूर्ति भी कई बार होती है, रेडियम की भी होती है, तो उसके ऊपर आप रंग ना लगाएं, सिर्फ भगवान के चरणों में थोड़ा सा गुलाल आप अर्पित कर सकते हैं। तो ये देखिए, फूलों की और गुलाल की होली तो हमने भगवान के साथ खेल ली है। अब हम भगवान को सबसे पहले ठंडाई का भोग लगाएंगे। हमें होली पर, हम सब भी ठंडाई पीते हैं, आप ठंडाई, गुंजिया, इन सब का लड्डू गोपाल को और अपने मंदिर में सभी भगवानों को भोग लगाएं। गुंजिया, मठरी, जो जो बनाई जाती है उनका भी भोग लगाएं, पर ठंडाई का विशेष रूप से भोग लगाएं। अब ये जो मैंने थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लिया था लड्डू गोपाल के, मैंने केश और जो टियारा मैंने बनाया था वो मैंने हटा दिया है, और अब एक प्लेट में बैठा के, या आप मेरी तरह ये कांच का बर्तन भी ले सकते हैं, छन्नी की मदद से मैं लड्डू गोपाल पर ये रंग वाला पानी डाल रही हूँ। इसमें मैंने गुलाल ही मिक्स किया था। तो ये देखिए, इससे हम भगवान के साथ पानी वाली होली भी खेलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो ड्रेस है वो ख़राब ना हो, तो आप लड्डू गोपाल को कोई, उनकी कोई पुरानी ड्रेस हो तो वो पहनाकर भी आप बैठा सकते हैं। तो ये देखिए, धीरे धीरे करके हम लड्डू गोपाल पर ये जो जल है ये चढ़ाएंगे। कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल।
आप कोई रुमाल से भी लड्डू गोपाल की ड्रेस बना सकते हैं। वैसे तो हम सब घर वाले भी होली के दिन मोस्टली पुराने कपड़े ही सब पहनते हैं, और लड्डू गोपाल भी हमारे घर के सदस्य हैं, तो आप होली के नए कपड़े तो पहनाए ही उन्हें, बट पानी वाली होली खेलते वक्त आप दूसरे कपड़े भी पहना सकते हैं। लड्डू गोपाल की गायों को भी होली खिलाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।